Right to is to the under the of India, क्या भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान भारती भारती के तहत शिक्षण के अधिकार की गारंटी दी जाती है इन महत्वपूर्ण और शिक्षण के अधिकार संबंधी प्रश्नों को समझने के लिए हमें यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को देखना है ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुजनी आप सबका स्वागत करता हूँ आज इस मिन्च से विशेष श्रृंखला के तहत जिसका आज चौदहवा लेक्चर है जिसके तहत हमें मोहिनी जय यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ कर्नाटका जो राइट टू एजुकेशन संबंधी अपना आप में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथ ही में भारत में शिक्षण के अधिकार को प्रस्थापित करने की भी बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने की गई है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई है तो अपना अपने आप में उस तरीके से भी इसका महत्व जो है वो बहुत ही अधिक है प्लस आप हमें ग्रोथमाउंट एजुकेशन डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं साथ ही यह सारा डेटा यह सारा कंटेंट आप वहाँ पा सकते हैं आप वहाँ ब्लॉग फॉर्म में यह चीज़ों को पा सकते हैं ताकि आप आपकी नोट्स भी बना सकें साथ ही में यहाँ जिन चीज़ों की चर्चा होती है उन पी जो है उनको भी वहाँ आपको डाउनलोड करने का जो अवसर प्रदान है तो आप आज ही हमारे साथ जुड़े हमारे साथ रजिस्टर करें साथ ही यह हमारी चैनल है जिसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं इसको आप जल्दी से शेयर कीजिए ताकि जो महत्वाकांक्षी छात्रा है वो घर बैठे इन जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अभ्यास के विभिन्न तत्वों की जो है उसका अध्ययन जो है या उसकी स्टडीज़ जो है वो कर पाए प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक वहाँ से आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं वहाँ हम चीज़ों को रखते हैं जिन चीजों के ऊपर हमारी योजना जो है वो होती है यानी कि हमारा टाइम टेबल संपूर्ण रूप से इन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा सेम मंडी जैसे आपको मालूम है कि ग्रोथ मोड यूपीएससी की इस चैनल के ऊपर दो ऐसी विशेष श्रृंखला चल रही है जिनमें एक श्रृंखला में महत्वपूर्ण तो कारणों की बात की जाती है जिन्होंने आज के भारत के इस निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो और वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो महत्वपूर्ण फैसला है उनकी चर्चा हम लोग यहाँ इस श्रृंखला से करते हैं और यह फैसला भी इतना ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं फैसलों ने आज के इस भारत के निर्माण में ये या, या आज के इस भारत के स्वरूप के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है तो यहाँ दोनों विशेष श्रृंखलाओं के लिए अलग अलग मोटर सुपरन डी हमने सेट की है यहाँ इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि श्रृंखला की अगर मोटर सुपरेंडी में आपको बताऊँ तो इनमें हम लोग सबसे प्रथम परिचय की बात करते हैं फिर पृष्ठभूमि देखते हैं कि कैसा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा आ, जो है दो चीज़ें होती है एक तो आर्टिकल थर्टी टू का उपयोग करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा सकता है या अन्यथा पूरी जुडिशियल हायर की होते हुए अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा सकता है तो वो पूरी पृष्ठभूमि देखते हैं फिर दोनों पक्ष के तर्क देखते हैं दोनों पक्षों की बहस देखते हैं जो जो है कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के द्वारा रखी जाती है फिर अगर कोई इनमें न्यायिक प्रश्न शामिल है तो उनकी भी यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ओर आते हैं और अंततः हम इसके महत्व एवं इसके प्रभाव की यहाँ चर्चा करते हैं तो आज वही मोडे सोपरणी है सबसे प्रथम हमें इसमें परिचय देखना है दो बिंदु है प्रथम बिंदु कहता है मोहिनी जैन वर्सिज स्टेट ऑफ कर्नाटका इज ए लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन यस लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षण का अधिकार ठीक है जो यहां कोर्ट ने सारे नागरिकों को दिया भारत के सारे नागरिकों को दिया और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया कि भाई जो राइट टू लाइफ है विच इज गंटेड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो राइट टू लाइफ जो है राइट टू लाइफ उसी से प्रत्यक्ष रूप से यह राइट टू एजुकेशन आता है जिसे हम लोग आरटीई कहते हैं ठीक है तो राइट टू लाइफ देना यानी कि राइट टू एजुकेशन भी देना ये अलग से कोई नोंद लेने वाली बात नहीं है ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और भारत के लिए देश में तो विशेष रूप से अच्छा है क्योंकि यहाँ में सोशियो इकोनॉमिक इन यानी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक या सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक जो असमानता है वो यहाँ ज्यादा प्रमाण में है उसकी मात्रा ज्यादा है उसकी तीव्रता ज्यादा है तो ऐसे में यहाँ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला

कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन एनि कर्नाटका ने अपने राज्य के एक कानून के तहत एक अधिसूचना ट्यूशन फी अदर फीज एंड्रॉम द स्टूडेंट बाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इस अधिसूचना में यहाँ जो विभिन्न फीस है जो उसका स्ट्रक्चर है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने विद्यार्थियों से वसूलेगी उसका पूरा ढांचा यहां इस अधिसूचना में था गये गये इस अधिसूचना के तहत पांच जून का इस अधिसूचना के आधार पर प्रथम फॉर द कैंडिडेट्स एडमिटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट सीट्स द ट्यूशन फी पर ईयर वो रूपीज टू थाउजेंड यानी कि जिनको सरकारी सीटें मिल रही है उनके लिए ट्यूशन फी जो है वो दो हजार रहेगी फॉर द कर्नाटक मैक्सिमम ट्यूशन ट्वेंटी ठीक है जिनमें सबसे प्रथम जिनको गवर्नमेंट सीट्स मिल गई मेरिट है जिनका नाम मेरिट आया है गवर्नमेंट सीट्स उनके लिए सबसे निम्न जो है आप कह सकते हो कि फी रखी गई है फिर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कर्नाटका के है मगर उनका अवसर जो है वो यहाँ गवर्नमेंट सीट्स में नहीं आया है उनके लिए यहाँ पच्चीस हजार रुपए तय की गया है या तय किया गया सॉरी एंड लास्टली द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर टू पे ट्यूशन फी ऑफ रुपीज ट्यूशन फी नॉट एक्सीडिंग रुपीज सिक्सटी थाउजेंड यानी कि आप यहाँ गैप देख रहे हो ठीक है एक तीसरे आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स यानी कि इंडियंस कर्नाटका के बाहर के जिनको साठ हजार तक की फी जो है वो देनी आवश्यक थी तब जाके उनको एडमिशन मिलता था तो यहां जो आप इनक्वालिटी देख रहे हो ठीक है इसी इनक्वालिटी को यहां सुप्रीम कोर्ट के पटल पर चैलेंज किया गया है मोहिनी जैन के द्वारा मोहिनी जैन रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की थी तो वो इंडियन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आती थी उनको ना तो गवर्नमेंट सीट्स मिली थी ना तो वो कर्नाटका की थी तो अगर अब उनको कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उन्हें साठ हजार से अंदर या अधिकतम साठ हजार तक की जो आ, आप कह सकते हो कि जो फी है वो उन्हें देनी होगी जो ट्यूशन फी है वो देनी होगी एंड शी कैम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द कर्नाटका फिर मोहनी जैन वॉज इन्फॉर्म्ड बाई श्री सिद्धार्था कॉलेज ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका दट शी कुड एडमिटेड टू द एबीबीएस कोर्स प्रोवाइडेड शी कुपोजिट रुप सिक्सटी थाउजेंड एज टूशन फी फॉर दर्स्ट ईयर एंड फर्न इज द बैंक गारेटी इन रिस्पेक्ट टू द फीज फॉर रिमेनिंग ईयर्स ऑफ द एम बी बी एस कोर्स अब सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज है जहाँ मोहिनी जैन ने अपलाई किया अब उनकी कैटेगरी देखी तो वो इंडियन स्टूडेंट की थी तो कॉलेज से रिप्लाई आया कि भाई आपको एम बी बी एस में एडमिशन अवश्य मिलेगा मगर आपको तभी मिलेगा जब आप साठ हजार रुपए आपकी जो फी है ट्यूशन फी है वो आप जमा करवाएगी पहले वर्ष के लिए और एम बी बी एस के जो बाकी बचे शेष वर्ष है आपके कोर्स के उनके लिए आपको बैंक गारंटी जो है कॉलेज को देनी होगी तो ये यह यहाँ बात कॉलेज की ओर से आई वेन शी गुड नॉट पे द एग्जोरबेंट

गवर्नमेंट सीट्स यानी कि गवर्नमेंट सीट के अलावा जो कोई विद्यार्थी थे जो एडमिशन चाहते थे चाहे वो कर्नाटका के अंदर के विद्यार्थी हो आंतरिक कर्नाटका के मूल वतनी हो या पूरे भारत भर से आने वाले हो उनसे बहुत ही सास्ती फी वसूली जाती थी तो उसको लेकर यहाँ आर्टिकल थर्टी टू का उपयोग करके विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसके तहत आपके मूलभूत या मौलिक अधिकारों के हनन में उल्लंघन में आप प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो तो मोहिनी जैन ने बिल्कुल उसका उपयोग किया और वे सीधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने सीधा जो फिफ्थ जून की अधिसूचना थी स्टेट ऑफ कर्नाटका की जिनके तहत तो तीन फिक्स जो फीस का जो स्टेबलेट थे जो फिक्स किए गए थे उसको भी चैलेंज कर दिया अब हमें देखना है

जो इंडियन थे तो यहाँ जीएस के अलावा ये दोनों कैटेगरीज अपने आप में नॉन मेरिटोरियस है नॉन मेरिटोरियस है यानी कि इनका नाम जो है वो मेरिट में नहीं है और क्योंकि इनका नाम मेरिट में नहीं है तो इनको अब ज्यादा फीस देनी होगी ये डिफरेंट क्लास के है डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट फीस के प्रावधान है ऐसा यहाँ कॉलेज के द्वारा तर्क रखा गया द क्लासिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन टू दो मेरिट एंड दोज हु did not वॉज uh, was a valid classification and the college management was within its rights to charge more fees from those who नॉट not possess मेरिट यस yes. और उन्होंने ये तर्क दिया कि भई जिनके पास merit है उनको हमने जो है बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही शेष फी में उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं मगर जिनके पास मेरिट नहीं है उनसे ज़्यादा फी वसूलने का अधिकार कॉलेज को होता है उनका तर्क ये रहा द ऑब्जेक्ट वॉज टू कलेक्ट मनी टू मे द एक्सपेंसिस इनकर्ड बाई द कॉलेज इन द प्रोवाइडिंग मेडिकल एजुकेशन टू द स्टूडेंट द कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन आर्ग्यूड प्राइवेट मेडिकल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका डिड नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल एड फ्रॉम आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो यहाँ ये तर्क रखा जो मेडिकल कॉलेज का जो एसोसिएशन था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कर्नाटका का वे सब एकजुट हो गए और उन्होंने ये तर्क रखा कि भाई देखिए यह सारी प्राइवेट कॉलेजेस है इनमें जो शैक्षणिक क्रिया होती है उनके खर्च के लिए उनके कार्यान्वयन के लिए न तो हमें कोई आर्थिक सहाय राज्य सरकार से मिल रही है यानी कि कर्नाटका सरकार से और न तो मिल रही है हमें केंद्र सरकार से तो ऐसे में हम लोग जितनी चाहे फीस नॉन मेरिटियस स्टूडेंट्स के जो है स्टूडेंट्स से वसूल सकते हैं ऐसा तरक यहाँ उन्होंने रखा एक हिसाब पेश किया कि भाई यह हिसाब है और उन्होंने बताया कि तकरीबन एक स्टूडेंट का एम बी बी एस के पांच वर्ष के कोर्स का प्रति वर्ष का खर्च पांच लाख रुपए होता है और जो प्राइवेट कॉलेज सीट्स है उनकी चालीस फीसद सीट्स तो गवर्नमेंट सीट्स है वो गवर्नमेंट एलोकेटेड है यानी कि उसके लिए तो मात्र 2000 हज़ार ही फी वसूलनी है तो जो शेष खर्च बचा है वो कॉलेजेस जो है वो कहाँ से लाए ये बात उन्होंने रखी द स्टूडेंट सिलेक्टेड एंड एडमिटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सीट्स वुड पे ओनली रुपीज टू थाउजेंड पर एनम एंड द रेस्ट बर्डन वॉज ऑन दोज हुआ एडमिटेड अगेंस्ट मैनेजमेंट कोटा द ट्यूशन फी वॉज नॉट एक्सेसिव एंड एज ए सच देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एनी प्रॉफिट बाई द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका उन्होंने बताया कि भाई यहाँ फी जो है वो बहुत ही रिजनेबल है बहुत ही वाजबी है और ऐसे में यहाँ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो कोई नफाखोरी वो कोई uh, जो है ऐसी प्रोडोलेंट एक्टिव uh, आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस में नहीं लगे हुए है सर सिद्धार्घा मेडिकल कॉलेज इन दर्नाटक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन सबमिटेड दट इन ऑर्डर टू रन द मेडिकल कॉलेज इज द मैनेजमेंट जस्टिफाइड इन चार्जिंग द कैपिटेशन फी they also submitted that there was no provision under under the 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 constitution or under any other law except the law except passed by the state of prohibited the of Karnataka which charging fee अपने ही सरकार के कानून में जो प्रोहिबिशन है कैपिटेशन फी का ऐसा कोई उल्लेख मिलता नहीं है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है ना तो भारत के कोई भी अन्य कानूनों में मिलता है तो ऐसे में यह कैपिटेशन फी जो है वो एक व्याज भी है और

तो क्या कैपिटेशन फी जो है वो संवैधानिक है ये पहला प्रश्न है दूसरा प्रश्न कहता है वेदर fee ऑफ कैपिटेशन फी वॉज आर्बिट्री such एंड सच वायोलेटेड आर्टिकल फोर्टीन ऑफ यस क्या जो कैपिटेशन फी कॉलेज के द्वारा चार्ज की जा रही है क्या ये आर्बिट्री है क्या ये अनजस्ट है क्या ये है आर्टिकल चौदह का यानी कि मौलिक अधिकार का क्या उल्लंघन है यह दूसरा प्रश्न था यह दूसरा न्यायिक मुद्दा था जो इसमें इंक्लूड था तीसरा मुद्दा वेदर द नोटिफिकेशन colleges ऑफ charge टू चार्ज कैपिटेशन फी इन of रेगुलेटिंग फीस अंडर द एक्ट यस तो यहां यह भी नोटिफिकेशन जो अपना अपने आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन देता है कि वे ज्यादा कैपिटेशन फी चार्ज कर सकते हैं क्या ये संवैधानिक है यह भी एक प्रश्न था और चौथा बिंदु उल्लंघन वर्ष उन्नीस सौ चौरासी में लाया था तो इतने सारे न्यायिक मुद्दे थे जिनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का आ, सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो आवश्यक थी उनका प्रकाश जो है वो आवश्यक था अब यहां से जजमेंट की शुरुआत करते हैं बल जजमेंट की शुरुआत ही यहां से होती है सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई कोई भी व्यक्ति है उसकी गरिमा उसकी गरिमा के साथ छेड़छाड़ जो है वो अस्वीकृत है साथ ही शिक्षण से गरिमा आती है कोई भी व्यक्ति की तो अपना अपने आप में यहां सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण को बहुत ही महत्व देने का प्रयास किया इट इज द एजुकेशन विच ब्रिंग्स फोर्थ द डिग्निटी ऑफ ए मैन इट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द सेम और यह राज्य की ड्यूटी है यह राज्य का कर्तव्य है कि अपने नागरिक की गरिमा जो है वो बनाए रखें गरिमा के लिए जो जो चीजें आवश्यक है वो उन्हें प्रदान करें चाहे वो शिक्षण भी क्यों ना हो फॉर दिस द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉट आर्टिकल फोर्टी वन एंड फोर्टी फाइव इन चैप्टर फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी के तहत जो राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है उनमें ये दो ऐसे

जो आर्टिकल फोर्टी वन के तहत जो यहाँ निहित है अगर उन्हें रियलिटी बनाना है तो ऐसे में द फंडामेंटल राइट्स अंडर चैप्टर थ्री साल रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ द लार्ज मेजोरिटी अगर नहीं बनाया फोर्टी वन को अगर यहाँ अपने किसी भी सरकार ने अगर लागू नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया तो जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट थ्री में डिस्कस किए गए हैं वो लगभग लगभग अधिकांश आबादी तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हमारी भारत की अधिकांश आबादी जो है वो अशिक्षित है right यानी कि right to education जो है वो इंटीग्रल पार्ट है भारतीय संविधान के भाग तीन का जिनमें मौलिक अधिकारों का जो है जिक्र हुआ है जिनमें मौलिक अधिकार शामिल है तो ये इसका अविभाज्य इंटीग्रल हिस्सा है

द राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ इट फ्लोज डायरेक्टली प्रत्येक रूप से जीवन के अधिकार से शिक्षण का अधिकार निकलता है चार्जिंग कैपिटेशन फीस कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन चार्जिंग कैपिटेशन फी इन कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन आई एम सॉरी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमाउंट्स टू डिनाइल ऑफिस राइट टू एजुकेशन यस कैपिटेशन फी चार्ज करना एडमिशन के बदले वो शत प्रतिशत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का आनंद है

तो जो गरीब लोग हैं वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे एजुकेशन तक जिनकी बदौलत इलेट्रेसी जो है वो कभी कम नहीं होगी सोशियो इकोनॉमिक जो डिफरेंस है भारत में वो कम नहीं होंगे जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो कम नहीं होगी तो ऐसे में यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपने आत्म कैपिटेशन फी को असंवैधानिक बताया इट ब्रिंग्स आउट क्लियर क्लास बिया ठीक है क्लास यानी कि जो वर्ग विभाजन है उसे यह और स्पष्ट करेगी और घातक करेगी

कलेक्टिंग कैपिटेशन फी फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका तो इसलिए कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि भाई कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहबिशन ऑफ कैपिटेशन फी वॉज बोट विद ऑब्जेक्टिव ठीक है कैपिटेशन फी के उन्मूलन के लिए उसकी नाबूदी के लिए ही कर्नाटका सरकार के द्वारा यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कानून लाया गया था मगर फिर क्यों यहाँ सरकार ने अधिसूचना जारी करके कैपिटेशन फी को फिर से अप्रतिबंधित या बिन प्रतिबंधित कर दिया the court observed that if the state government fixes rupees 2000 per annum as the tuition fee in the government colleges and for the government seats in a private medical college then it is the responsibility of the state to see that any private college recognized by the government is prohibited from charging more than 2000 from any student who may be residing of any part of india yes to yaha ek जो है एक यूनिफाइड अप्रोच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया और उन्होंने बताया कि भाई अब यह राज्य सरकार का दायित्व है उनको देखना है उनको का, उनका कार्य है कि अगर दो हजार रुपए ट्यूशन फी तय की गई है तो राज्य के कोई भी ऐसे मेडिकल कॉलेज में जो है कोई भी विद्यार्थी के द्वारा जो भारत में कहीं पर भी बस रहा हो उससे दो हजार से अधिक की रकम वसूली जा सके वो देखना राज्य सरकार का कार्य है The court held दैट चार्जिंग capitation फी by द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज a consideration ऑफ एडमिशन इज wholly इलीगल एंड cannot बी परमिटेड Yes, तो यह अपने आप में इलीगल है यानी

जो कि कर्नाटका सरकार के का द्वारा पांच जून उन्नीस में लाया गया था और बताया कि जिस कानून के का तहत यह नोटिफिकेशन लाया गया है उसी कानून की यह रीच में नहीं है उस कानून के जुटिशिक्षण के बियॉन्ड में यह अपने आप में नोटिफिकेशन है तो इसलिए इसे रद्द करना आवश्यक है इट हेल्ड दैट इट इज नॉट परमिसेब इन एनी लॉ फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू चार्ज ए कैपिटेशन फी एज ए कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन यस तो यहाँ भारत भर के कोई भी शैक्षणिक संस्था के लिए यह अवैध होगा कि वो कोई भी व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के पास कैपिटेशन फी वसूलेगी उसको एडमिशन देने के लिए तो ये यह यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कैपिटेशन फी को यहाँ अपने आप में खत्म करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने किया अब हमें इसके इंपोर्टेंस यानी कि इसके महत्व एवं इसके प्रभाव के बारे में इंपैक्ट के बारे में देखना है शुरू करेंगे इसके महत्व से सबसे सब प्रथम बिंदु है राइट टू एजुकेशन वॉज डिक्लेर्य एज फंडामेंटल राइट इसी फैसले की वजह से राइट टू तो एजुकेशन को महत्व तो मिला और ज्यादा महत्व तो मिला और इसे भारत के मौलिक अधिकारों में जो भारत के संविधान के भाग तीन में चर्चित है उसमें स्थान मिला ये एक बड़ी बात है दूसरा बिंदु जजमेंट रिमाइंडेड द स्टेट ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स फॉर दिट ऑफ सिटीजन विच आर बी डिस्कड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी तो ये प्रावधान यहां अब राज्य सरकार को याद कराया इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने कि भाई राज्य सरकार को अपने नागरिकों को शिक्षण देने के लिए जो चाहे वो करना होगा चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो जो है किसी भी और किस्म की मेहनत हो मगर वो सहाय राज्य सरकार को करनी होगी वो याद इस जजमेंट ने दिलाया राज्य सरकारों को इन पर्टिकुलर कर्नाटका की राज्य सरकार को अब जजमेंट अबाउट इक्वालिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन यस इस जजमेंट ने इस फैसले ने शिक्षण में एक समानता लाने का प्रयास किया जो एक बड़ी बहुत ही बड़ी बात है एंड लास्टली कैपिटेशन फी इज नाइज ऑफ सेलिंग एजुकेशन यस कैपिटेशन फी कुछ नहीं है मात्र मात्र और जो शिक्षण है उसे बेचने का दाम है उसे बेचने की कीमत है हालांकि इस फैसले के बाद भी आज भी भारत में जो ऐसे शैक्षणिक संस्थान है वो आज भी एक जो है एक आप कह सकते हो कि एक बाजार बन गए हैं एक बहुत ही व्यवसाय इन्होंने खड़ा कर दिया है और एक विशेष साइकिल शुरू हो गई है अन्यथा अगर यह जजमेंट या फैसले का कार्यान्वयन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होता तो यह आज यह परिस्थिति भारत में जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती बाई होल्डिंग दैट चार्जिंग ऑफ कैपिटेशन फी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द कोर्ट प्रिवेंटेड दैट एटलीस्ट थियोरिटिकली द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बिकमिंग टीचिंग शॉप यस इनको बाजार बनने से रोकने के लिए यहाँ जजमेंट का रोल है मगर यहां भी आप कह सकते हो कि एक किया गया और बताया गया है कि भाई भले ही मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जो शिक्षण संस्था है उन्हें बाजार बनने से रोका भले ही थियरिटिकली यानी कि इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रैक्टिकली आज अगर देखें तो परिस्थिति जो है वो थोड़ी सी भिन्न है अलग है आज भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो एक टीचिंग शॉप्स के रूप में ही कार्य कर रहे हैं अब इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। दो बिंदु है।, सब judgment, right है तो इसकी पहुंच बढ़ेगी इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो अच्छा होगा तो अपने आप में भारत के लिए भारत की आबादी के लिए भारत के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है दूसरा इसका प्रभाव यह है कि पार्लियामेंट इन टू थाउजेंड टू पास कॉन्स्टिट्यूशन

जो ट्वेंटी है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि शिक्षण का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है तो इतना बड़ा प्रभाव इस मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का पड़ा है इसने भारत में शिक्षण के पूरे क्षेत्र को बदल कर रख दिया भारत में शिक्षण की पहुंच को और अधिक बहुत ही ज्यादा अधिक बना दिया तो अपने आप में यह परीक्षा संबंधी भी एवं भारत को समझने में जो है मदद रूप यह कानून है आई होप यू एंजॉय द लेक्चर आई होप आपको यह हमारा एनालिसिस जो है वो अच्छा लगा होगा आप हमें जो आपके सजेशंस दे सकते हैं आप अन्य कौन सी चीजें देखना चाहते हैं कौन सी चीजों का अध्ययन अभिया, अभ्यास करना चाहते हैं साथ ही आप इन सारे कंटेंट रिलेटेड डाउट्स भी आप खुलकर पूछ सकते हैं निसंकोच पूछ सकते हैं हम आपको उत्तर देने का आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने का प्रयास करेंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे लेक्चर्स को देखिए और प्रबुद्ध हुए तो मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त यू पी एस यूपीएससी जय हिंद